आजकल ये बहुत कॉमन है, आपके घर में ना डेडिकेटेड पूजा रूम नहीं है और आप परेशान है कि अपने घर में पूजा यूनिट कैसे लगाएं, तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक साइलेंट कॉर्नर ढूंढ लीजिए अपने घर में, हो सकता है वो लिविंग रूम में हो, बेडरूम में हो, किचन में हो, कहीं पर भी हो, एक साइलेंट कॉर्नर में एक छोटा सा पूजा यूनिट बनाया जा सकता है। दूसरा स्पेस बहुत कॉमन है लिविंग एरिया में, आपका जो लिविंग या ड्राइंग रूम एरिया है उसमें एक छोटा सा पार्टीशन, एक सेपरेटर डाल दीजिए और उसके साथ एक पूजा यूनिट की स्पेस जनरेट कर लीजिए। वो 3 फीट हो सकती है, 4 फीट हो सकती है, 5 फीट हो सकती है। आप शटर लगाना चाहें शटर लगा लीजिए, या फिर आजकल शेयर कर्टेन्स आते हैं या ब्लाइंड आते हैं उसके थ्रू भी इसको डिवाइड किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास कोई डिसेंट साइज वॉल है, कोई बड़ी सी वॉल है जो छोटी सी एक पूजा यूनिट में कन्वर्ट की जा सकती है, मे बी उसको किसी यूनिट के साथ कंबाइन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर क्रॉकरी यूनिट और पूजा यूनिट को कंबाइन कर लेता हूँ जब स्पेस नहीं मिलती है, तो क्रॉकरी और पूजा को अगर कंबाइन कर दें और उसको शटर लगा दें या मे बी ओपन भी रख लें तो भी एक अच्छा पूजा यूनिट की स्पेस निकल आ जाती है। और आप चाहें तो इसको ना एक वॉल माउंटेड पूजा यूनिट अपनी किचन में या किसी अलमीरा में भी लगा सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कोई एक रूम की एक अलमीरा को आप एक पूजा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किचन के किसी एक कॉर्नर को भी एक पूजा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप पूजा यूनिट की जगहें ढूंढ सकते हैं अपने डेडिकेटेड अपार्टमेंट में।